नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ब्रिटेन से वापस प्रदेश लौट आए हैं, जहां पहुंचने पर बन्नो स्कूल ग्राउंड में उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने सीएम धामी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बता दें कि ब्रिटेन से सीएम धामी 12,000 करोड़ से अधिक का निवेश लेकर भारत वापस लौटे हैं। के करारों पर अभी साइन हुए हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे बड़े समूह ने उत्तराखंड में काम करने की इच्छा प्रकट की है। उन्होंने अपना निवेश करने के हमको प्रस्ताव दिए हैं और हमको उम्मीद है कि अब ये काम जो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट जो हमने जिसका काम प्रारंभ किया है, जो दिसंबर में होने वाली है, उसमें बड़ी मात्रा में निवेशक उत्तराखंड आने के लिए तैयार हैं और एक बड़ा निवेशकों का बड़ा वर्ग यहाँ पर निवेश करेगा और निवेश के जरिए जहाँ प्रदेश के अंदर उद्योग धंधे सेक्टर सर्विस सभी प्रकार के काम आगे बढ़ेंगे, वहीं हमारे यहाँ नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए रोजगार के भी बहुत बड़े अवसर सृजित होने वाले हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए ये सब उत्साहजनक है और प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में हमारे राज्य की जो GSDP है वह भी दुगनी हो, हर क्षेत्र में हमारा राज्य प्रगति करे। शुक्रवार को उत्तराखंड कांग्रेस के गढ़वाल मंडल जिलों के सभी जिला अध्यक्ष हरिद्वार में एकत्र हुए। इस दौरान आगे में पंचायत चुनाव और लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए PCC चीफ करण महारा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बता दें कि बैठक में पार्टी के प्रदर्शन पर भी चर्चा हुई। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरने और आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी उत्तराखंड दौरे पर बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री से ज्यादा वो प्रचार मंत्री नजर आते हैं। कार्यक्रम है अभी, क्योंकि सारे जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों को बुलाया गया है और आगे की रणनीतियां तय करनी है, चाहे वो निकाय चुनाव है, सांसदी चुनाव है, और अभी जो बागेश्वर चुनाव हुआ था उसमें जो चीज़ें हम लोगों को संज्ञान में आई हैं उसको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे, क्या चीज़ उसमें पॉजिटिव थी और क्या चीज़ हम लोगों की कमी रहेगी, हम 2000 से चुनाव हारे हैं, उन सभी चीज़ों के विषय में विचार विमर्श और पारिवारिक मीटिंग है ये। और कर्णप्रयाग में अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों ने कहा कि डेंगू जैसे गंभीर बीमारी के बाद भी स्वास्थ्य विभाग जाग नहीं रहा। पूर्व जिला पंचायत सदस्य देवेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में स्थानीय लोगों के एक शीर्ष मंडल ने उप जिलाधिकारी के जरिए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत को ज्ञापन देते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से कर्णप्रयाग अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही के चलते गांधीनगर की 24 साल की प्रीति नाम की युवती की मौत हो गई थी, जिसमें डॉक्टरों द्वारा प्रीति के इलाज में लापरवाही की गई थी। उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहीं उन्होंने आक्रोश जताते हुए कहा कि सरकार जहां गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड जैसे योजना लाई है, लेकिन कर्णप्रयाग अस्पताल में आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग जिस प्रकार से कर्णप्रयाग अस्पताल की बद से बदतर स्थिति हो रही है, उसके संबंध में हम माननीय उप जिलाधिकारी महोदय से मिले। हमने कहा कि उनको एक बैठक बुलाई जाए, सम्रांत कर्णप्रयाग की जनता की, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर नगर पालिका क्षेत्र जितने भी लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, किस प्रकार से इस हॉस्पिटल की स्थिति सुधरे उस पर विचार हो। अगर प्रशासन और हॉस्पिटल के समस्त कर्मचारी अगर शीघ्र इस बैठक को नहीं करते हैं, इस हॉस्पिटल की दशा को नहीं सुधारते हैं, तो पूरे क्षेत्रवासी मिलकर एक उग्र आंदोलन करेंगे। जो अभद्रता लगातार यहाँ पर मरीजों के साथ की जा रही है, और शिमली का जो बेस अस्पताल विगत एक वर्ष के तैयार होने के बावजूद भी, 50 बेड तैयार होने के बावजूद भी वहां पर अस्पताल को चालू नहीं किया जा रहा है, और आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी मरीजों से 20 से 25 हज़ार रुपये ऐंठे जा रहे हैं, इसके खिलाफ आज हमारे युवा साथी SDM साहब को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए हैं, और हम चाहते हैं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे इस पत्र पर शीघ्र अतिशीघ्र कार्यवाही हो, अन्यथा हमको अपने युवा साथियों के साथ, अपनी मातृशक्ति के साथ, हमको प्रत्येक पहाड़वासी को सड़कों पर उतरना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि न जाने यहां इस अस्पताल में इनकी लापरवाही के कारण कितनी ही मौतें हो गई हैं, और अभी 20 तारीख को हमारी एक बहन जो गांधीनगर की थी,
गरीब महिला थी, वो गरीब लड़की थी, उसकी इनकी लापरवाही के चलते उस लड़की की मौत हो गई है, उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी ये आप सब लोग महसूस कर सकते हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उन डॉक्टरों को चयनित करके, उनका चयन करके उनको दंडात्मक कार्रवाई उन पर की जाए। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की मदद पाने के लिए अब फरियादियों को देहरादून के चक्कर बार बार नहीं काटने पड़ेंगे। बता दें कि मानवाधिकार आयोग ने यह निर्णय लिया है कि वादों की सुनवाई के लिए अब एक जगह पौड़ी तो दूसरी जगह कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा में भी खोली जाएगी। अब तक सिर्फ देहरादून कार्यालय में ही वादों की सुनवाई की जाती थी, लेकिन अब दूरस्थ क्षेत्रवासियों को सहूलियत देने के लिए पौड़ी, अल्मोड़ा और देहरादून में मानवाधिकार से संबंधित वादों को सुना जाएगा। लापरवाही हो रहा है कि नहीं, जैसे आज यहाँ पर हो रहा है, इसके बाद अल्मोड़े में भी अक्टूबर प्रथम सप्ताह में कैंप आयोजित किया जा रहा है, तो देखते हैं अगर इसका अच्छा रिजल्ट निकलता है तो भविष्य में दूरस्थ स्थानों पर स्वयं जाकर इसकी सुनवाई की जाएगी। मानव अधिकार आयोग में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जैसे किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी, उसके अधिकारों का हनन या वो व्यथित होता है तो उसके कई फोरम हैं, जैसे न्यायालय में भी वो जा सकता है, किंतु न्यायालय में लंबी प्रक्रिया है, इसके लिए न्याय शुल्क उसको देना पड़ता है। मानव अधिकार आयोग में मात्र आपको शिकायती प्रार्थना पत्र या एक प्रार्थना पत्र देना होता है, उसके लिए आपको स्वयं नहीं आना है, कोई न्याय शुल्क उसमें अदा नहीं करना है। आप ईमेल से भेज सकते हैं, आप डाक से भेज सकते हैं, उसमें तुरंत उसमें कॉग्निशंस लेके हम जिससे भी उसको कोई शिकायत है उसको हम नोटिस देकर उसके शिकायत को का निराकरण करने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री धामी की सरकार दायित्वधारियों की पहली सूची जारी हो चुकी है, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गौरोला को राज्य 20 सूत्रीय कार्यक्रम का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दायित्वधारी ज्योति प्रसाद गौरोला से बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। बीजेपी में कह सकते हैं कि पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनका दायित्वों की सौगात मिली और हमारे साथ हैं बीस सूत्रीय कार्यक्रम उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गौरोला जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बड़ा दायित्व अभी समय आपके कंधों पर मिला है, चुनाव से ठीक पहले दायित्व मिला है, किस रूप में रखेंगे, क्या कुछ प्राथमिकता है? सबसे पहले तो इस नए दायित्व के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का, प्रदेश नेतृत्व और सभी कार्यकर्ताओं का आभार है, उनका अभिनंदन। मुझे लगता है कि इस नए दायित्व के माध्यम से एक मैं सहयोगी की भूमिका में रहूंगा सरकार के कल्याणकारी कार्यों को आम जन तक ले जाने के लिए। सरकार के कार्य सही पात्र लोगों तक पहुंच रहे हैं, सरकार के कार्यक्रमों का उनको लाभ मिल रहा है, उसमें सहयोगी की भूमिका का यही लक्ष्य है और इसी के लिए प्रयास होता रहे। चुनाव से ठीक पहले दायित्व मिले हैं, सभी लोगों की बहुत सारी उम्मीद है, और भी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जिनको दायित्व मिलने की संभावना है, क्या कुछ कहेंगे सरकार से मुख्यमंत्री? नहीं, दायित्व निर्धारण का जो विषय है वो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, सभी वरिष्ठ लोगों के साथ सहमति के बाद इस प्रकार की रचना आती है। तो मुझे लगता है कि पूरा प्रदेश पिछले एक सवा साल से अलग अलग चुनौतियों के साथ जूझ रहा था, मुख्यमंत्री जी एक नए विजन के साथ काम कर रहे थे, समान नागरिक संहिता का विषय रहा हो, धर्मांतरण के विषय रहे हो, बैंड जिहाद के विषय रहे हों, हमारा अनेक तरह की चुनौतियां सामने थी, उन सब चुनौतियों का उन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक समाधान करते हुए, निस्तारीकरण करते हुए वो आगे बढ़े हैं और अब महसूस होने लगा कि कार्यकर्ताओं को सम्मान देना चाहिए, तो यथा समय सम्मान हुआ है। ठीक, चुनाव से पहले किस रूप में पार्टी के जो दूसरे छोटे कार्यकर्ता हैं जो धरातल पर काम करते हैं उनको जोड़ने का काम करेंगे ताकि इस चुनाव में भी बड़ी जीत मिल सके, खासतौर पर जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो विजन है कि उत्तराखंड राज्य सशक्त हो सके उसके लिए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा कार्यकर्ताओं का सम्मान होता रहा है और आगे भी होता रहेगा, अब धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ता का आदर करती है। ज्योति प्रसाद गौरोला जी जो सीधे रूप में कह सकते हैं 20 सूत्रीय कार्यक्रम को बात देखते हैं, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो विजन है उस विजन को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, धामी सरकार जो काम कर रही है, जनहित की जो योजना है उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम होगा, अब जनता को उसके प्रति जागरूक किया जाएगा। मैं अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। खबर में आगे बढ़ते हैं, देहरादून पुलिस ने नई पहल शुरू की है जिससे दून वासियों में खुशी की लहर देखने मिली है। बता दें कि दून पुलिस के सीनियर सिटीजन से मुलाकात कर रही है जो बुजुर्गों को पसंद आ रही है।
बता दें कि ऐसे वृद्ध लोगों से मुलाकात कर रही है जिनके परिजन वो बच्चे उनके साथ नहीं रहते हैं। ऐसे में पुलिस समय समय पर मुलाकात कर उनकी कुशलता पूछने और उनकी हर संभव सहायता करने के लिए एक प्रयास कर रही है। कोटाबाग ब्लॉक अंतर्गत न्याय पंचायत बेल पड़ाव पोषण माह का आयोजन किया गया, जिसके चलते आशा कार्यकर्ताओं ने स्कूटी रैली निकाली और जानकारी के साथ साथ कुपोषण को दूर भगाने के संबंध में चर्चा की। साथ ही रैली कार्यक्रम के दौरान सुपरवाइजर पूनम गोस्वामी द्वारा लोगों को जागरूक करते हुए सशक्त भारत पोषण भारत के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में क्षेत्र की सभी आशा कार्यकर्ती मौजूद रही। द्वारा एक स्कूटी रैली निकाली गई जिसमें पोषण माह मनाया गया। पोषण माह अंतिम चरण पर आ रहा है, आज 29 तारीख हो रही है, 30 तारीख पोषण माह की लास्ट डेट है, 30 को कल हमारा समापन है। 30 से पहले आज 29 को हमने बेलपड़ाव में एक स्कूटी रैली निकाली जिसमें सभी 32 आंगनबाड़ी वर्कर हैं बेलपड़ाव क्षेत्र में, 32 की 32 वर्करों द्वारा भाग लिया गया और वर्करों द्वारा रैली में जागरूकता फैलाई गई। जागरूकता के तहत नारे लगाए गए, नारे में बताया गया कि सशक्त भारत, सुपोषित भारत और साक्षर भारत। उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा हुई, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के साथ दो पाली में परीक्षा संपन्न हुई। उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा की परीक्षा पूरे उत्तराखंड के 29 शहरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम में चल रही थी। बता दें कि परीक्षा के लिए 90 से ज्यादा केंद्र बनाए गए थे जिसमें उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। UTET प्रथम में 24,418 और UTET द्वितीय में 24,166 परीक्षार्थी पंजीकृत है। हमारी परीक्षा संचालित हो रही है और दो पाली में होगी, शाम को 2 से 4:30 बजे तक परीक्षा चलेगी। का तो ऐसा है कि जैसे परसों जीजीएसटी हल्द्वानी से पेपर मिले थे 26 को, फिर उनको ला करके हम लोगों के द्वारा डबल लॉक में ट्रेजरी में रखवाया गया था, पुलिस अभिरक्षा मोबाइल वो तो हमने अपने जो निरीक्षक उनको भी और एज वेल एज एग्जामिनेशन को भी कह दिया है कि भैया परीक्षा बिल्कुल अलाउ नहीं है, मोबाइल तो अलाउ है ही नहीं। देहरादून सैन्य धाम के निकट पुरकुल गांव में सब स्टेशन के निर्माण किया जाना है, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में विद्युत विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान बैठक में अधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री को बताया कि भूमि तलाशी की जा रही है, जिस पर मंत्री गणेश जोशी ने नाराजगी जाहिर की। साथ ही विद्युत विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए तत्काल भूमि के चयन के लिए संयुक्त विजिट करने के निर्देश दिए। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत ITBP के जवानों ने मसूरी के दूरस्थ गांवों की मिट्टी को इकट्ठा किया। ITBP के हिमवीरों के साथ स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर हाथीपाव क्षेत्र में मिट्टी को सभी लोगों ने इकट्ठा कर कलश में डाला है जिसको दिल्ली भेजा जाएगा। DS डंगवाल महोदय के नेतृत्व में ये कलश यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे अर्बन गांव और जो भी अपने लोकल गांव है उनकी मिट्टी इकट्ठा करके जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है उनके लिए ये मिट्टी दिल्ली भेजी जा रही है। इसी उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल देहरादून ISBT में निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ISBT में बदहाल सफाई व्यवस्था पर नाराज नजर आए और जिस पर मौजूदा अधिकारियों को मंत्री ने कड़ी फटकार भी लगाई। मंत्री के मुताबिक इस प्रकार की सफाई व्यवस्था सीधे तौर पर डेंगू को न्योता देने का काम कर रही है। मंत्री ने जल्द से जल्द ISBT में सफाई व्यवस्था बेहतर करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। देखिए आप जानते हैं पहले ये 20 साल के लिए हमारी एक कंपनी जिससे हमारा टाई था रैम की, उससे हमने जुलाई
27 तारीख को हमने लिया था क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। उसके बाद से हम लोग इसको रन कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो MDDA विभाग है उसके माध्यम से रन कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग साफ़ सफाई हो, मेंटेनेंस हो, इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोगों ने किया है। आप देख सकते हैं जहाँ ये कार पार्किंग है, इंटरलॉकिंग का काम किया है। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ था, उस सड़कों की समस्या थी, सड़कें हमने बनाई है। और साथ साथ जो सफाई है, मेंटेनेंस है, वो सब की जिम्मेवारी हमारी है। कुछ सफाइयों में मुझे थोड़ा सा खराब लगा, मैंने कहा है कि इसको तुरंत हम लोग दो शिफ्ट में हम सफाई कर रहे हैं तो तीसरा शिफ्ट यानी दिन में भी सफाई रहनी चाहिए। गंदगी, कूड़ा या कहीं जलभराव वाली स्थिति वैसे भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि डेंगू का आजकल वैसे भी प्रकोप चल रहा है। तो मैंने कहा है इसमें एक शिफ्ट और लगाएंगे और जहाँ ये मेंटेनेंस का काम है इसको भी जल्दी करेंगे क्योंकि इस समय हमारी ये संपत्ति भी है और हमें इसे कंटिन्यू भी करना है। इसके लिए हमने जो मेरे अधिकारी हैं उनसे मैंने आग्रह अनुरोध हम उनको कहा है इसको तुरंत करें ताकि आने वाले टाइम पे इसमें जो डेवलपमेंट है हमारी तरफ से जो कहा गया है वो हमसे पूरा। नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से अतिक्रमण को हटाने के लिए आदेश पर लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ की तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसके तहत थल पिथौरागढ़ सड़क में पड़ने वाले मुवानी बाजार में 5 दर्जन से अधिक मकानों को चिन्हित किया गया है, जिसके खिलाफ प्रदीप चमटा के नेतृत्व में व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जुलूस निकालकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध जताया। पर्यटन नगरी रानीखेत CCRS कार्यालय में हिंदी भाषा के पखवाड़े का समापन किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में सैन्य चिकित्सालय के कर्नल भूषण पांडे और सुनील प्रधान शामिल हुए, साथ ही भगवान धन्वंतरी की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यूनिट हेड प्रभारी ने पुष्प गुच्छ देकर अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान हिंदी संबंधित प्रतियोगिता के विजेताओं को मुख्य अतिथियों ने प्रमाण पत्र दिया। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी केस के मामले में गवाह पुष्पजीत की पेशी हुई। इस दौरान पुष्पजीत के कोर्ट में बयान दिए गए और दर्ज हुए। कोर्ट में अंकिता के माता पिता भी मौजूद रहे, साथ ही केस के तीनों आरोपी भी कोर्ट में उनकी मौजूदगी दर्ज की गई। कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से पुष्पदीप और अंकिता के बीच हुई व्हाट्सएप चैट को लेकर पुष्पजीत से कई सवाल पूछे गए, साथ ही कोर्ट में इस बात को साबित करने की कोशिश की गई कि अंकिता पहले से परेशान थी। पुष्पदीप को दोबारा 6 अक्टूबर को कोर्ट में पेशी के लिए बुलाया गया है, जिससे इस मामले में दोबारा तीखी बहस होने की उम्मीद जताई जा रही है। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में हरिद्वार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। CIU और रानीपुर कोतवाली पुलिस ने 272 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। स्मैक की कीमत करीब 27 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़ा गया युवक सिडकुल की एक फैक्ट्री में काम करता है, जबकि उसका भाई नशे का नेटवर्क संभालता है। बताया जा रहा है कि नशे की ये खेप यूपी के बरेली से सप्लाई के लिए लाई गई थी। मैं कल हमारे पास ये सूचना थी कि अनुराग जो मुख्यतः बिजनौर का रहने वाला है, पिछले कुछ समय में यहाँ सुभाष नगर में रह रहा था, उसके द्वारा ये लगातार इसको कैरी करने का काम किया जा रहा था, जो अपने भाई की मदद से ये काम कर रहा था। तो कल जब चेकिंग इसमें की गई थी बैरियर नंबर 5 के पास में, जब इससे चेकिंग की गई तो उसमें करीब 273 ग्राम हमें स्मैक प्राप्त हुई है और उसमें इसके खिलाफ JTPS की जो संबंधित थाना है उसमें मुकदमा दायर किया गया है। उसमें जो इसका भाई जिसकी मदद कर रहा था अभिषेक, वो अभी फरार कर रहा है। उसके खिलाफ भी हम लोग जो आवश्यक छापते हैं वो दिखा रहे हैं और उसमें आवश्यक कार्रवाई की। हरिद्वार के ग्राम रावली महदूद के ग्राम प्रधान पर ग्राम वासियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्राम प्रधान के खिलाफ फर्जीवाड़ा के आरोप लगाए गए हैं और इसको लेकर उन्होंने हरिद्वार जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल से शिकायत की। गांव के लोगों ने ग्राम प्रधान पर फर्जी जाति और फर्जी आय प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया। वहीं जिलाधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जाँच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। ये निर्वाचित हुए हैं तो मेरे द्वारा सूचना अधिकार 2005 के तहत जो सूचना में कागज मांगे गए नॉमिनेशन पत्र से, तो उसमें इनका जाति प्रमाण पत्र का मामला है। फिर मैंने शासनादेश की कॉपी मांगी, उसके बाद मुझे इसमें पता चला मुझे कि ये जो है जाति प्रमाण पत्र इसका
एक 7 रुपए का स्टाम्प है जो क्या नाम जो रजिस्टर्ड भी नहीं है उसके आधार पर बना हुआ है। उस संबंध में मैंने जिला अधिकारी महोदय से शिकायत की है और मैं उस संबंधित जाति प्रमाण पत्र संबंधित जो मेरे से दस्तावेज मांगे गए हैं मैंने जिलाधिकारी महोदय को दे दिए गए हैं। और उसमें हमारी स्क्रूटनी कमेटी की एक बैठक पहले 16/8/2023 को हुई थी और दूसरी तारीख हमें जो है 25/9/2023 को मिली है, लेकिन परसों भी हम और मेरे द्वारा प्रतिवादी भी और क्या नाम जिला अधिकारी महोदय और जो समस्त अधिकारी गणते हैं वहाँ कि इनका जो है 2018 के करीब एक जो आय प्रमाण पत्र 4,000 रुपये का दोनों भाई का बनाया गया प्रमोद कुमार और मनोज कुमार का, और दोनों ने उसका जो है जिससे पहले इनकी हैसियत प्रमाण पत्र बना हुआ था जिला उप जिला अधिकारी महोदय के यहाँ से 47,90,000 रुपये का प्रमोद कुमार का बना है और 8,90,70,000 रुपये का मनोज कुमार का बना हुआ है। उसके बाद भी जो है इनका जाति प्रमाण पत्र जो है इन्होंने आय प्रमाण पत्र बनवाया 4,000 रुपये का, उसके बाद गाड़ी भी है इनके पास स्कॉर्पियो बुलेट भी है, पहले जो है 3 मंजिल मकान भी है और इनके पास जो है घरों में AC वगैरह BPL का कनेक्शन भी इनकी माताजी के नाम आ रहा है, उसमें जो ज़मीन 18,67,000 रुपये में खरीदी दिखाई गई है उस पर BPL कनेक्शन है। मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, दो दो जगह पे ये सुविधाएं ले रहे हैं और वहाँ मुजफ्फरनगर के वोटर लिस्ट में भी उनका नाम है, तो उस पर जाँच कर रहे हैं हम लोग और जो BPL के संबंध में जो शिकायत हुई है उसकी भी जाँच हम लोग कर रहे हैं और जो हैसियत की बात हम लोगों ने कही है उसके बारे में भी हम लोग जाँच कर रहे हैं। तो जांच कमेटी हमारी बैठती है और कल भी इसकी सुनवाई हुई थी और जिस पक्ष ने शिकायत की थी उसको कुछ साक्ष्य में प्रस्तुत करना है, तो वो साक्ष्य जिस दिन प्रस्तुत करेंगे उसी बेसिस पे जांच कमेटी जो भी पाएगी उस पर कार्रवाई हम करेंगे। और उत्तराखंड BJP के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर CM पुष्कर सिंह धामी का लंदन द्वारा उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लक्ष्य की दिशा में एक सफल उड़ान है। पहले चरण में जो इस तरीके से निवेश के प्रस्ताव आए वो दर्शाता है कि हम 1.25 करोड़ उत्तराखंड वासियों के सपने को पूरा करने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सरकार ने राज्य की GDP दोगुना करने के लक्ष्य को लेकर नीति बनाई जिसमें पर्यटन, MSME, स्टार्टअप, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक स्थानों की स्थापना प्रमुखता और में शामिल है और यही वजह है कि इन सभी विषयों को लेकर निवेशकों को आकर्षित करने की बड़ी शुरुआत मुख्यमंत्री ने की है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी सरकारों में निवेश को लेकर कभी कोई प्रयास नहीं किए। तत्कालीन अटल सरकार के विशेष औद्योगिक पैकेज को अपनी UPA सरकार के समय वापस ले लिया। और उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव वी सतीश BJP के प्रदेश मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान उनका कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वी सतीश ने मुख्यालय में सबसे पहले हर मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री और प्रभारियों से अलग अलग चर्चा की, अब तक के कामकाज और कमियों की जानकारी ली। उन्होंने पदाधिकारियों से ये भी जाना कि अब तक कितने लोग राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, जो भी लाभ से वंचित है उसकी वजह क्या है। इसके बाद सतीश ने कहा है कि हर योजना का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, इसमें सभी मोर्चे के पदाधिकारियों का अहम रोल है। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले हर वर्ग को किसी न किसी योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। दौरान पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। महेंद्र भट्ट ने बताया कि वी सतीश मंत्रियों और वरिष्ठ विधायकों से भी चर्चा करेंगे और कई ऐसे विषय हैं जो केंद्र के हिसाब से लागू होने हैं जबकि कुछ राज्यों की परिस्थितियों पर भी निर्भर है। सतीश जी हमारे राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव संगठक हैं और बी सतीश जी पार्टी के कार्यकर्ताओं से इंडिविजुअल बातचीत करते हैं। बहुत से ऐसे विषय होते हैं जो केंद्र चाहता है इसको इस रूप में इंप्लीमेंट किया जाए और कुछ विषय ऐसे जो राज्यों की परिस्थिति पर निर्भर करते हैं। तो इसी प्रकार से बी सतीश जी का 3 दिन का दौरा है। अभी पहले मोर्चों के साथ बैठक होगी, प्रदेश सरकार के प्रत्येक मंत्री से तय है नाम, उनके साथ वो इंडिविजुअल चर्चा वार्ता करेंगे, उनके विभागों संबंधी बातचीत भी होगी। उसके बाद हमारे कुछ विधायकों के नाम ने तय किए हैं, वरिष्ठतम विधायक हैं, उन विधायकों से भी
उनका व्यक्ति से मिलना होगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डेंगू को लेकर प्रदेशवासियों को संदेश दिया है, जिसमें उन्होंने प्रदेशवासियों से कहा है कि इस मौसम में हमें डेंगू मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों से बचकर रहना चाहिए। मौसम में संक्रामक बीमारियों के साथ साथ डेंगू, नमस्कार, डेंगू और मलेरिया की रोकथाम, नियंत्रण और बचाव के लिए हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना है, क्योंकि बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों के साथ साथ डेंगू और मलेरिया के लार्वा भी तेजी से पनपते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने घर में और घरों के आसपास साफ सफाई रखें, जल भराव न होने दें, ताकि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम व नियंत्रण के लिए इस बीमारी की मूल वजह पर चोट की जा सके। हम सभी प्रत्येक रविवार को यह सुनिश्चित करें कि डेंगू के मच्छर आपके घरों या आसपास पनप तो नहीं रहे। छतों पर, कूलरों पर और गमलों की ट्रे पर पानी एकत्रित न होने दें। उस स्थान को साफ सुथरा रखें। हम सभी डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता फैलाएं और एक संकल्प लें कि आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे और एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। हर रविवार रहें तैयार, स्वच्छता अपनाकर करें डेंगू और मलेरिया पर वार। धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।